कल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। अगर इस ओडी पान डीसीआर टेबलेट के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। जैसे कि सामने आपको ये एल्युमिनियम का स्ट्रिप दिख रहा होगा जो कि ओडी पान डीसीआर टेबलेट है और ये रेडिक्स फार्मास्यूटिकल्स का है और इसके कंपोजिशन पे भी हम गौर करेंगे। इसमें देखिए पेंटाप्राजोल सोडियम 40 mg दिया हुआ है और डोनपेरिडोन 30 mg दिया हुआ है। इसके प्राइस पे भी हम गौर करेंगे। MRP 80 रुपये है। 10 कैप्सूल आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे ये इजीली आपको 10 टेबलेट किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। एक छोटे से चार्ट के जरिए जानेंगे द डिपेंडेबल कम्बिनेशन टू ट्रीट GERD। जैसे कि इसमें दिया हुआ है यूनिक कम्बिनेशन दिया हुआ है ऑफ ट्रस्टेड गैस्ट्रो कैनेटिक एंड एंटीमेटिक विथ PPI, यानी कि गैस्ट्रो के जो डॉक्टर हैं इस पर बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसके यूज़ के बारे में हम जानेंगे। पहले ये देखिए, ये गैस का कैप्सूल है, यानी कि आपके पेट में किसी तरह की गैस बनी हो जैसे कि कुछ चटपटा वगैरह खाने की वजह से गैस बन जाए या कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से गैस बन जाए, तो उन कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। पहले दूसरे पॉइंट पे गौर करेंगे। इसमें देखिए ये दिया हुआ है सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव इन रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन और फिर दिया हुआ है रिपीटली रिलीव्स करता है द सिम्टम ऑफ रिगेस्ट्रेशन एंड हार्ट बर्न। यानी कि ये जो कैप्सूल है, अब हम विस्तार से जानेंगे कि इनको किन कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मिचली आए तब भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं या चक्कर आए तो उन कंडीशन में, गैस की वजह से चक्कर आए तो उन कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे कि डाइजेशन अपसेट हो यानी कि अपच की समस्या हो, बदहजमी जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें भी पेट भारी भारी सा रहता है और कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी खाएंगे तो हूल आएगा और पेट बाहर निकला रहेगा, तो उन कंडीशन में भी इस ओडी पान डीसीआर यानी कि पेंटाप्राजोल 40 mg है और डोनपेरिडोन 30 mg कैप्सूल का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हिचकी आए तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या पेट में जलन हो या सीने में जलन हो या पेट में दर्द हो गैस की वजह से या सीने में दर्द हो गैस की वजह से, तो उन कंडीशन में इस कैप्सूल का हम यूज़ कर सकते हैं। इस कैप्सूल का यूज़ करने का तरीका जो है, यानी कि डोज जो है, एडल्ट लोग, जबकि ये DCR है यानी कि स्टेंट रिलीज वाला ये कैप्सूल है, और इसको हम अगर सुबह एक कैप्सूल खाली पेट खा लें तो दिन भर हमें रिलीफ रहेगा, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको हम दिन भर में 2 बार भी ले सकते हैं। यानी कि ये आपके एब्डोमेन में किसी तरह का गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस जैसे कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इसके खाने से कभी कभी देखा गया है बहुत से लोगों पे लाल लाल दाने या चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं या लाल लाल रेसेस वगैरह पड़ जाते हैं या घबराहट वगैरह हो जाती है या लूज मोशन भी हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत भी हो सकती है या बेचैनी भी हो सकता है। इस तरह के ये नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इससे ज़्यादा गंभीर समस्या हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस ड्रग का इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि ओडी पान डीसीआर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही यूज़ करें। और भी इस ओडी पान डीसीआर के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।